हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लोगों का ट्रबल शूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्या है ना, मान लीजिए कोई लोगों में हमारा बैटरी वोल्टेज हम लोग चेक करने के लिए गए, तब उसका जो बैटरी वोल्टेज होता है मिनिमम हम लोग जानते हैं 80 वोल्ट, और किसी किसी जगह में वो 90 वोल्ट मिनिमम लेता है। तो उसके जो वोल्टेज है 80 वोल्ट से लेस है, मान लीजिए वो 80 से कम है उसका बैटरी वोल्टेज, और जीरो वोल्टेज हमारा दिखा रहा है। कहाँ पे ना, यूबीए मीटर में। यूबीए मीटर में हम लोग चेक करते हैं जो कहाँ पे रहता है, कैप टू में, स्विच पैनल में। वो देखने के लिए क्या प्रेस करना होता है, जुबा। तो पहले एचबीए को जीरो से वन में रखा, उसके बाद तो हम लोग जुबा को प्रेस किए कैप टू में स्विच पैनल में, तो हमारा यूबीए मीटर में लेस देन 80 वोल्ट दिखाया और मान लीजिए जीरो वोल्ट शो किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रबल शूटिंग क्या करेंगे, तो आज का वीडियो में हम लोग इसका ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग जुबा को प्रेस किए तो दिखाया कि यूबीए मीटर में जीरो शो कर रहे, ठीक है। तो जीरो शो करेगा, तो जीरो शो करेगा क्यों, इसका रीज़न है, पहले हम लोग जो एडिशनल सीसीबीए रहता है, ये एडिशनल सीसीबीए को हम लोग एक बार चेक करेंगे। अगर जीरो शो करेगा तो, ठीक है, जीरो शो करेगा तो एडिशनल सीसीबीए को चेक करेंगे। ये एडिशनल सीसीबीए हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, हमारा जो बैटरी बॉक्स रहता है लोगों का अंडर फ्रेम में, वो बैटरी बॉक्स नंबर वन में रहेगा। बैटरी बॉक्स नंबर वन हमारा एक कैप टू होगा, तो व्हील नंबर एट के पास ये बैटरी बॉक्स नंबर वन है। तो एक बैटरी बॉक्स नंबर वन के अंदर ये एडिशनल सीसीबीए रहता है। तो एडिशनल सीसीबीए हमारा मेल्ट है क्या, गुड है, ये हम लोग चेक कर लेंगे। अगर ये एडिशनल सीसीबीए हमारा मेल्ट हो गया तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे और बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमारा जो बैटरी वोल्टेज अबव 80 वोल्ट दिखा रहा है, तो हम लोग और ट्रबल शूटिंग हमारा जो प्रॉब्लम था वो रेक्टिफाई हो गया। बट हमारा एडिशनल सीसीबीए चेक करने के बाद भी हमारा जीरो शो कर रहा है। किसी किसी लोगों में ये एडिशनल सीसीबी के जगह में एक एमसीबी भी दिया रहता है, वन में बैटरी बॉक्स नंबर वन के अंदर एक एमसीबी भी रहता है। तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, तो एमसी को ट्रिप होने से उसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने से जीरो वोल्ट हमारा जो दिखा रहा था वो अब 80 वोल्ट दिखाएगा, नहीं दिखाया। मान लीजिए एमसीबी भी हम लोग गुड है, मतलब वो ट्रिप नहीं हुआ है, और एडिशनल सीसीबीए भी हमारा गुड है, तो जीरो दिखा रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है। अब क्या करेंगे, ये सीसीबीए जो एडिशनल था उसको तो चेक कर ले, देख लिए वो गुड है। उसके बाद हम लोग एक बार देखेंगे क्या हमारा जो सिग्नलिंग लैंप है, एक बार बीएल को अनलॉक करके देखेंगे क्या हमारा सिग्नलिंग लैंप जो जल रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार बीएल को अनलॉक करेंगे, तो बीएल अनलॉक करने से वो जो चारों लैंप जलता है, एलएसडीजे, एलएससीएचबीए, एलएसबीएन, एलएसजीआर, वो जल रहा है कि नहीं, हो भी तो सकता है हमारा यूबीए मीटर ख़राब हो गया हो, तो इसीलिए जीरो शो कर रहा है। तो एक बार बीएल को अनलॉक करके देखेंगे जो पायलट लैंप जल रहा है कि नहीं। अगर पायलट लैंप हमारा जल रहा है तो हम लोग मान लेंगे क्या यूबीए मीटर हमारा ख़राब है, इसीलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तब तो हमारा लोको चलेगा। बट हम लोग बीएल अनलॉक करने से हमारा पायलट लैंप भी नहीं जला, तब क्या करेंगे ना हमारा, तो इस बार हमारा जो सिग्नलिंग लैंप था वो नहीं चला, तब जो एचबीए स्विच था बैटरी का, एचबीए स्विच, वो दो से तीन बार ऑपरेट करेंगे, जीरो से वन, वन से जीरो करके फिर से वन में ले आएंगे, और जुबा को प्रेस करके देखेंगे यूबीए मीटर में हमारा बैटरी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये करने से हमारा बैटरी वोल्टेज आ गया मोर देन 80 वोल्ट, तो हमारा लोको को एनर्जाइज करके रन करेंगे। अगर फिर से हमारा जीरो वोल्ट दिखा रहा है तो क्या करेंगे, हमारा वो जो जीरो शो करने से बैटरी बॉक्स जो वन था
उसको खोलेंगे, उसके बाद बैटरी बॉक्स नंबर 2, 3 एंड 4 सभी बैटरी बॉक्स को खोलेंगे एंड देखेंगे जो बैटरी, ये जो लोगों का बैटरी रहता है ना, ये हर एक बॉक्स के अंदर छोटा छोटा बैटरी लगा रहता है। वो बैटरी हर एक के साथ क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो सीरीज में कोई भी इसका कनेक्शन टूट जाने से वो 0 वोल्ट दिखाएगा। तो इसीलिए वो देखेंगे वो जो वायर से वो कनेक्ट है, वो वायर हमारा टूट गया होगा, लूज़ कनेक्शन होगा, इसीलिए डिसकनेक्शन हो रहा है। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे, जो बैटरी बॉक्स के अंदर बैटरी लगा है उसका जो कनेक्शन किया है वो हमारा डिसकनेक्शन हो गया कि नहीं। अगर हमारा डिसकनेक्शन हो गया, टूट गया कोई भी वायर, तो उसको हम लोग फिर से लगा देंगे एंड जुबा को प्रेस करके देखेंगे UBA हमारा मोर देन 80 वोल्ट दिखा रहा है कि नहीं। अगर हमारा ये जो डिसकनेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए सभी वायर सही से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तब देखेंगे बैटरी को सही से देखेंगे कोई बैटरी में डिफेक्ट है क्या, तो तब यही डिफेक्ट होगा। ये सब करने से नहीं हुआ तो बैटरी में प्रॉब्लम होगा। तो बैटरी में क्या होता है, कोई भी बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसमें लीकेज हो जा सकते हैं। तो बैटरी को हम लोग क्या करेंगे, वो बैटरी को आइसोलेट कर देंगे। तो ये मान लीजिए 2 बैटरी है, ये तीसरा बैटरी है, तो ये बैटरी मान लीजिए हमारा डिफेक्टिव हो गया, तो इसका एक टर्मिनल रहेगा, इसका एक टर्मिनल रहेगा, दो इसका दो टर्मिनल रहेगा। नॉर्मल में क्या रहता है, इसका ए सिरा से ए सिरा, ए सिरा से और दूसरे बैटरी के साथ रहेगा एंड इस तरफ एडिशनल CCBA होके हमारा ऊपर में चला जाएगा। बट ये डिफेक्टिव होने से हम लोग को क्या करना होगा, ये जो डिफेक्टिव वाला है इसको आइसोलेट करना होगा। तो कैसे हम लोग आइसोलेट करेंगे, तो ये तो आ रहा था, इसको हम लोग खोल के क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे और फिर ये एडिशनल CCBA के होकर ऊपर में चला जाएगा। तो इसको आइसोलेट करने से क्या होगा, हमारा जो इसके कारण से हमारा 0 वोल्ट शो कर रहा था, ये हमारा अब आइसोलेट होने से हमारा मोर देन 80 वोल्ट दिखाएगा। तो इसको जो प्रॉब्लम हमारा आ रहा था इसके वजह से आ रहा था, तो अब हमारा बैटरी वोल्टेज आ गया। तो हो सकता है क्या, पहले तो एडिशनल CCBA खराब हो सकते हैं और MCBA लगा हो तो MCBA ट्रिप हो सकता है, उसके बाद नहीं हुआ तो HBA भी हमारा जो स्विच है वो ख़राब हो सकता है, UBA मीटर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 बार ऑपरेट कर लिया, कोई भी हमारा जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्शन और लूज कनेक्शन हो सकता है, नहीं तो हमारा बैटरी में ख़राब हो सकता है, और कोई कारण नहीं होगा जिसमें हमारा बैटरी वोल्टेज लेस और 0 शो करेगा। लेस शो करेगा मतलब ही वही है, हमारा लूज कनेक्शन हो रहा है और हमारा कोई भी बैटरी हमारा डिफेक्टिव है, तो तभी हमारा लेस वोल्टेज शो करेगा। और ये जो लेस वोल्टेज हमारा दिखा रहा है वो और एक कारण हो सकता है, हम लोग जानते हैं जो लोगों को जब हम लोग एनर्जाइज करते हैं तब हम लोग जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर रहता है MCPA उसको हम लोग चलाता है। तो ऑक्सिलरी कंप्रेसर हम लोग मैक्सिमम हम लोग 10 मिनट तक चला सकता है, क्योंकि ये 10 मिनट के बाद भी चलाएंगे तो हमारा बैटरी वोल्टेज हमारा बिलो 80 डिग्री में आ जाए, सॉरी बिलो 80 वोल्ट में आ जाएगा। तो बिलो 80 वोल्ट में आ जाने से क्या होगा, वो जो हमारा बैटरी रहता है वो रिचार्जेबल है, बट हमारा 80 वोल्ट के नीचे वो वोल्टेज आ जाने से वो दोबारा रिचार्ज नहीं होगा। तो मान लीजिए कोई भी हमारा लोगों को एनर्जाइज करते टाइम वो MCPA को चला के भूल गया, तो MCPA तो चल रहा है तो बैटरी वोल्टेज तो हमारा घटेगा, तो घट के वो लेस देन हमारा 80 वोल्ट हो गया। तब उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा बैटरी वोल्टेज क्या करेगा, लोको तो एनर्जाइज कर दिया हो बट बैटरी और चार्ज नहीं होगा, लोको चलेगा बट लोको जब हमारा रुकेगा, शट डाउन कर देगा, तो फिर से जब लोको को हम लोग एनर्जाइज करने के लिए जाएंगे तब उस टाइम में क्या होगा, लोको तो रनिंग कंडीशन में और चार्ज हो जाता है बट 80 वोल्ट के नीचे आ गया तब तो वो बैटरी हमारा चार्ज नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में जब नेक्स्ट बार वो एनर्जाइज करने के लिए और जुबा को प्रेस करके देखेंगे तो बिलो 80 वोल्ट दिखाएगा, लेस वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि वो रनिंग में चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि उसका लेस वोल्टेज हो गया था और दोबारा रिचार्जेबल इसीलिए नहीं रहा। तो ये एक कारण हो सकता है। तो आज का वीडियो में हम लोग बैटरी वोल्टेज
लेस और जीरो वोल्टेज दिखाएगा, तो उसका ट्रेबल शूट कैसे करता है, उसका रेक्टिफाई कैसे करता है, ये हम लोग डिस्कस किया। ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।